नमस्ते, मैं भारती। मेरे भारत के किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से मार्केट जैसे मालपुए। तो आइए ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे त्योहार स्पेशल सूजी के मालपुआ। जो हम मैदे के मालपुआ बनाते हैं उससे बेटर सूजी के मालपुआ है और खाने में बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। अगर आप भी ये रेसिपी को फॉलो करके मालपुआ की रेसिपी बनाएंगे तो आपकी भी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आइए देखते हैं सूजी के मालपुआ बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सूजी का मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधे गिलास से ज्यादा दूध ले लिया है। एक कप यहाँ पे मैंने सूजी ली है बारीक वाली। आधा कप यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो इसके बदले मैदा भी ले सकते हैं। एक कप यहाँ पे मैंने चीनी ले ली है। दो चम्मच यहाँ पे मैंने फ्रेश मलाई ले ली है। थोड़े से पिस्ते गार्निशिंग के लिए काट के ले लिए हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ले ली है। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ ले ली है। एक इलायची ले ली है। तो चलिए सूजी के मालपुआ बनाना शुरू करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। अब इसमें एक कप जितनी सूजी डाल देंगे, आधा कप गेहूं का आटा डाल देंगे। अब इसमें सौंफ भी डाल देंगे। दो चम्मच जितनी फ्रेश मलाई भी डाल देंगे। सारी चीजें यहां पर मैंने डाल दी है। अब इसमें बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। तो सारी चीजें यहाँ पर मैंने डाल दी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और विस्कर की सहायता से इसे मिक्स कर लेंगे। मालपुए के बैटर को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होनी चाहिए, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा गाढ़ी। तो यहाँ पर हमारा मालपुए का बैटर बनकर तैयार है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। मालपुए का बैटर बनकर तैयार है तो चलिए अब हम मालपुए की चाशनी बना लेते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। सबसे पहले एक कप जितनी इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद इसमें एक गिलास जितना पानी भी डाल देंगे। पानी यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब इसमें एक इलायची भी डाल देंगे। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब चाशनी को गाढ़ा होने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चाशनी गाढ़ी होने लगी है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब परफेक्ट तरीके से हमारी चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। मालपुए के लिए चाशनी भी बनकर तैयार है। चलिए अब हम मालपुए बना लेते हैं। अब मालपुए बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके पैन रख दिया है। सबसे पहले इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल यहाँ पर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम मालपुए का बैटर डाल देंगे। देखिए इस तरह से डालते जाएंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब मालपुए को हम एक साइड से अच्छे से पका लेंगे, फिर इसे हम दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। एक साइड से मालपुआ हल्का सा पक चुका है। अब इसे हम पलट देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मालपुआ हमारा एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। मालपुआ हमारा एक साइड से अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम दूसरे साइड से भी हल्का सा पका लेंगे। मालपुआ हमारा दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना गोल्डन और क्रिस्पी हमारा मालपुआ बनकर तैयार हुआ है। बाकी के भी इस तरह से ही फ्राई कर लेंगे। अब दूसरी बार भी बैटर इस तरह से ही डाल देंगे।
बैटर को यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब एक साइड से इसे अच्छे से पका लेंगे। एक साइड से हमारा मालपुआ अच्छे से गोल्डन हो चुका है, अब दूसरे साइड से भी इसे पका लेंगे। ये जो सूजी के मालपुए हैं, इसकी टेस्ट बिल्कुल गुलाब जामुन जैसी आती है। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपके भी मालपुए बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो ये वाला भी मालपुआ हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना गोल्डन और परफेक्ट तरीके से हमारा मालपुआ फ्राई हो चुका है। अब बाकी के भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। हमारे यहाँ पर सारे सूजी के मालपुए फ्राई होकर तैयार हैं, तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। मालपुए की चाशनी यहाँ पर मैंने बाउल में निकाल ली है, तो चलिए मालपुए को सर्व कर लेते हैं प्लेट में। मालपुए यहाँ पर मैंने प्लेट में रख दिया है, अब जो हमने चाशनी बनाई थी वो मालपुए के ऊपर डाल देंगे। मालपुए के ऊपर यहाँ पर मैंने चाशनी अच्छे से डाल दी है, अब इसके ऊपर पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। अब मैं आपको अंदर से भी मालपुए को कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से भी हमारा मालपुआ कैसा बना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर से हमारा मालपुआ कितना जूसी और सॉफ्ट बना है। यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी सूजी का मालपुआ बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये मालपुए की रेसिपी अच्छी लगी हो तो भारत भातीज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।